बस एक हदीस आपको एक हदीस सुना दी, फकीह अबू लैस समरकंदी ने तंबीउल गाफिली में इस हदीस मुबारका को नकल किया। मैं जब इस हदीस को पढ़ता हूँ तो कई कई दिन तक मैं सोचता रहता हूँ कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। जज़ाक फकीह अबू लैस समरकंदी ने तंबीउल गाफिली में इस हदीस को नकल किया। मैं कभी कभी इस हदीस को पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ता, फिर वो कैफियात ऐसी हो जाती हैं कि फकीह अबू लैस समरकंदी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तरफ वही फरमाई, ए महबूब तेरा कोई उम्मती जो तेरा कलमा पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हो। एक बात आपको और भी कह दूँ, दिल की बात कह दूँ, अपने आप को हल्का नहीं लिया करो, अपने आप को, अपने वजन को जानो, अपनी कीमत को जानो, तुम्हारी कीमत है। ये जो तुमने और हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, ये पढ़ने के बाद जन्नत हमारे रास्ते की मुश्ताक है, जन्नत हमारा रास्ता देख रही है, कुरान जन्नत हमारे टकटकी बांध के निगाहें हमारी तरफ लगाकर बैठी हुई है कि ये रसूलुल्लाह की उम्मती कब आएगा। ये हमारी कीमत है, ये हमारी कदर है, इसको पहचानो। औज़े कौसर की नहर जो है वो हमारे रास्ते में तलाश में है कि कब रसूलुल्लाह की उम्मती आएंगे और मेरे कटोरों से अपने मुंह लगाएंगे, और मीजान अमल हमारी तलाश में है कि कब वो हमारे इंतजार में कि कब रसूलुल्लाह की उम्मती आएंगे और वो आकर यहां खड़े होंगे तो मैं दीगर रसूलों के उम्मतियों को बताऊंगा, फिर इसलिए बताएंगे कि ये देखो ये है रसूलुल्लाह की उम्मती, इनके कलमे की इतनी ताकत है कि जो इन्होंने पढ़ा था, एक तरफ उस कलमे को रखो पूरी कायनात से बाहर। अपनी कीमत को जानो मेरे नौजवानों, रात को जो है दिन को जो है वो सजदों में गिर के दुआ, दिन रात को सजदों में गिर के दुआएं करते हैं, अल्लाह अमेरिका को तबाह कर दे, इंग्लैंड को तबाह कर दे, आलम कुफर को गर्क कर दे, और जो है वो दिन को जो है वो वीजे के लिए भाग रहे होते हैं इंग्लैंड की एम्बेसी के पीछे, और अमेरिका भाई अमेरिका का वीजा मिल जाए, हाँ अल्लाह अमेरिका को सलामत रखे, किसी तरह हम वहां पहुंच जाए, इसका मतलब तो ये तो हमारी बहुत बड़ी कीमत है, हमारा बहुत बड़ा वजन है। इकबाल कहते ना, इकबाल कहते तुमने क्या समझ रखा है मोमिन को, कहा कि एक मोमिन जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है ना, जब्बारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहता है कि ये जब्बारी भी है, कहारी भी है, कुद्दूसी भी है, जबरूत भी है, अल्लाह ने इसके अंदर चारों सिफतें रखी हैं। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, ये पढ़ तो सामने रखकर कुरान रहा होता है लेकिन हकीकत में ये खुद कुरान का ऐसा आईना नुमा, तो ये तुम्हारी आईना नुमा बना होता है कि हकीकत में कुरान तुम्हारी गिरा कदर, ये तुम्हारा, ये समझो तुम्हारा वजन है। मैं अभी वो बात नहीं कर रहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई कि मालूम तुम्हारा उम्मती हो जो तुम पर, तुम्हारा उम्मती हो जो तुम पर कलमा, तुम्हारा कलमा पढ़ता हो, तो फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मरने से एक साल पहले तौबा कर ले। फिर भी बड़ी सुनने वाली बात है, एक साल पहले तौबा कर, मैं उसकी तौबा कबूल कर लूंगा। सरकार गमजदा हो गए, खामोश, थोड़ी देर के बाद फिर वही आए, ए महबूब मरने से एक महीना पहले तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा कबूल कर लू। सरकार फिर खामोश, आपका चेहरा होता ऐसा था कि जब आपके मिजाज के मुताबिक बात है तो आपका चेहरा खिल जाता था, ऐसा आप इस्लाम खुश होते थे। हाँ, और सरकार का तबस्सुम ऐसा होता था कि फरिश्ते भी जो है देख कर रज करते थे, सरकार के चेहरे पर वही वो असरात इस्तराब के असरात। फिर थोड़ी देर के बाद वही आई, फरमाया मामू उम्मती तेरा हो, कलमा तेरा पढ़ता हो। देखिए शर्त क्या रखी जा रही है, उम्मती तेरा हो, कलमा तेरा पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हो इधर से, ए महबूब मरने से एक हफ्ता पहले भी तौबा कर लेना, हम उसकी तौबा को कबूल कर लें। सरकार के चेहरे पर फिर कोई खुशी के असरात नहीं आए, फिर वही आई, कहा कि ए महबूब उम्मती तेरा हो, कलमा तेरा पढ़ता हो, मरने से एक दिन पहले भी तौबा कर ले।
मैं रब्बे कायनात उसकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। सरकार के चेहरे पर फिर कोई खुशी के असरात नहीं आए, नहीं आए। फिर थोड़ी देर के बाद वही आए, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, रसूलल्लाह आपका उम्मती है, आपका कलमा पढ़ता हो सोना। हाँ, लोग कहते हैं सरकार ने क्या किया, क्या कर, नबी क्या कर सकता है। मैंने कहा मौली साहब आपका दिमाग खराब हो गया है, नबी क्या कर सकता है। नबी ने सारी उम्मत बख्शवा के अपने हाथ में रख ली और क्या करें। सारी उम्मत को बख्शवा दिया सरकार ने, फरमाया महबूब मरने से एक लम्हा पहले गरगरा, जब गरगरा आया हुआ यानी कि सारे जिस्म से रूह निकल गई है और इधर अटकी हुई है, फरमाया महबूब अगर उस वक्त भी उसके होश बाखता हो, आवाज बाखता ना, होश बहाल हो, ए महबूब उस वक्त भी अगर तौबा कर ले, उम्मत ही तेरा हो, तेरा कलमा पढ़ता हूं, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूंगा।